27 जनवरी 2022। अभी सुबह पांडे जी का एक उन्होंने लिखा कमेंट में, और तन्ना जी ने भी कहा कि जब तुम अंदर चलो, अंदर जाओ, चल चलो चलो अंदर चलो, हट अंदर चल, अंदर चलो, चल चलो इनका भाग कह दिया आ रहा है, चलो अंदर। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप बड़े देश प्रेमी हैं, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऐसा ऐतिहासिक मैंने ऐतिहासिक वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी नहीं देखा, और पूरा देश कह रहा है, गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन बाबा जी ये बताइए कि क्या किसी नेता ने आज तक कहा, निकल जाइए, कभी किसी नेता ने कहा कि ऐसा बाबा मैंने नहीं देखा? न किसी समाज सेवी ने कहा, न किसी नेता ने कहा, और न किसी बाबा ने कहा। तो इसका एक दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं दिख रहा है। यह उनकी अपनी एक राय थी। हमने कहा साहब इसीलिए हम लोग हजारों साल तक गुलाम थे, हैं अभी तक यही कहा गया। हाँ इतना जरूर है कि अब आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है, निकल जाओ उधर मत निहारो, सीधे निकल जाओ, जाके दे दे उनका। तो देश जो है हमारा आगे काफ़ी एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। जाओ निकालते रहो, अभी फिर बुलाएंगे। तो कुल मिला के ताली दोनों हाथ बजती है, जबकि तन्ना जी ने लिखा कि सैकड़ों महात्मा मिलकर आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कमेंट में जवाब में मैं लिख ही रहा था, तब तक एक साहब कमरख मांगने आ गए, ये सुरेश सोनकर है, वो जो नारियल वगैरह की दुकान लगाते हैं। नहीं यार, जिसकी जो जरूरत हो, दिन भर तो एक आदमी चौकीदारी करे, क्या तुलसी का पट्टी दे दो। बाबा जी कह रहे बाबा जी तट्टी बैठे हैं तो लोग दरवाजे खड़े हैं, बाबा जी सो रहे हैं तो 3 बजे रात में मोबाइल आ रहा है। बहुत अंधा घिरा समाज है साहब, ना कोई कोई कुछ नहीं, बस यहाँ भीड़ दिखा दो, भीड़ दिखाओ, तुम जनता की ही ताकत से जनता तुमको हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारे तुमसे भीख मांगेंगे, और जब तुमने उनको चुनाव जिता दोगे तब तुमको वो कुत्ते के बराबर समझेंगे ना। जब इलेक्शन आएगा तो तुम्हारे यहाँ रात में हम खाना खा लेंगे, हम तुम्हारे यहाँ लेट जाएंगे, बस ये नाटक, केवल नाटक और कहीं कुछ नहीं। तो कुल मिला के वही के अंधवा में कन्वर राजा, हमने तो कई बार कहा कि नहीं कोई पहचानता है तो अफसोस तो हमको होता है। अरे पहचान के हमको कुछ चाहिए थोड़े उनसे कि हमको कुछ टिकट लेना है। लेकिन ये देश में क्या हो रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, कौन एक रहे सरस्वती करके आर समाज के, उनको जहर दिया गया, गांधी को गोली मारी गई, ईसा को सूली गांधी को गोली। अरे भाई हम कहते बड़े ख़राब रहे, लेकिन जो अच्छा किया वो अच्छा किया वो भी बोलो, और वर्तमान समय में नेता जो कर रहे हैं वो भी बोलो। अब कल साहब एक साहब ने व्यंग लिखा बड़ा तगड़ा कि साहब सब तो है मगर पीड़ा कहाँ दे, हम तो पशु प्रेमी हैं, जन्मजात पशु प्रेमी हैं, और यहाँ नौटंकी करने वाले कितने पशु प्रेमी पैदा हो गए। भाव से होता है, कोई जन्मजात होता है, समझ गए, हमारी बेटियों के हमारे संस्कार पड़ गए, वो भी पशु से भी बन गई, दो दो तीन तीन बच्चे की माँ हो गई, और इतने बड़े से कर रही, इतने बड़े से, तब कोई NGO बनाया क्या, सरकार की तरफ से इनके लिए कोई बुलावा आया, इनको क्या सम्मान के लिए पूछा गया है? हमारे वृंदावली गाने से अभी वही अनु शुक्ला जी, मैं ही कहता हूँ यार बोला करो, तुम पॉइंट की बातें नहीं बोल पाते हो। हाँ 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 गुरु जी, हाँ हाँ गुरु जी, पॉइंट की बातें बोलो, जैसे वो बोलते हैं उजरा उपाध्याय जी बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, उससे क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं। कहीं देखिए पुल्ले अंदर घूम रहे हैं, कहीं सब स्वच्छंद घूमते हैं, न इनमें कोई डर है न इनमें कोई भय है। लोग कहते हैं बाबा जी हमको पालना है, वो पाला नहीं जाता, इनको स्वच्छंद रखो,
कैद में मत रखो, जैसे आज गौ माता है कैद में है, उनको कैद से छोड़वाओ तब मंदिर जाओ, तब अपने आप को कुछ कहो कि हम हिंदू हैं। पहले गाय की तकलीफों को देखो, सरकार ने व्यवस्था किया, सरकार कहाँ तक मरे, अभी तक सरकार सीधे सीधे कत्लेआम करवा देती थी, अब इन्होंने कत्लेआम बंद करवाया, एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उसमें जो खूबियाँ हैं वो बाबा लोग जिम्मेदारी लें, मंदिर जाने जिम्मेदारी, इसलिए हमारा बस है मंदिर में ताला लगवा दें कि पहले आप अपने आप को आप प्रमाणित करो, बिल्ली रानी उसके पास मत जाओ, अच्छा या देखो दौड़ा है कि नहीं, इसी तरह दौड़ा देगा कि प्रमाणित करो कि तुम वाकई मंदिर जाने लायक हो, समझे, तुम मंदिर जाने योग्य हो, तुम यह प्रमाणित करो। बताओ ये कितनी आबादी बढ़ती जा रही थी, कभी कोई चिंता कर रहा है, कोई बाबा बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है ना, इसलिए कि किसी के मन में किसी के लिए दर्द नहीं है। कल उपाध्याय जी ने बड़ी भारी बात लिखी थी कि क्या पीड़ा हो पीड़ा समझे तब, किसी के बारे में लिखा था कि पीड़ा समझो, तब ये है जब ये भावना रखेंगे तभी। और ये नहीं कि बाबा जी के आशीर्वाद से अगर सारा काम हो जाए तो बाबा जी सारे गऊओं को आज़ाद करवा ले, बाबा जी अपनी पत्नी की जान को बचा लेते, न जाने देते अभी, तो बाबा जी भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। हाँ कुछ हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमको मोहलत मिलती है, हमको मोहलत मिलती है, कहाँ 25 तारीख को हम लेटे, बंदर हमारे बगल में लेटा, चपक के लेटा और हमको किटकिटा के उसने काटा भी, जोर से नहीं काटा कि खून निकल आवे, लेकिन काटा, हमने वजह समझा मामला क्या है, ये काटा क्यों। तब कई लोगों ने राय दिया कि बाबा जी अंदर जो भी बीमारी थी आजारी थी ये लोग सब जानते हैं, वो अंदर आपके प्रवेश कर गया था और आपको वो जल्दी उठने न देता, इसलिए उस आपको नहीं उसने काटा, आपको काटा तो आपके खून निकल आता, लेकिन उसने उसको सांकेतिक रूप से काटा है? बंदर के कटकटाने का भी वर्णन आता है, इन्होंने भगवान की मदद किया है। और जो कुत्ते की औलाद बोलते हैं कि साहब ये राम राम काल्पनिक थे, उन सुअर के औलादों से मेरा यह कहना है कि अगर ये शनि मंगल हमको क्यों मिला रे, क्यों मिला हमको, जितनी घटनाएं घटी शनि मंगल किसी बाबा को मिला आज तक है? तुम्हारे भाग में ही जाओ लंगोटा सूंघो जाके, हमें क्या लेना देना, किसी बाबा को नसीब हुआ, वर्ल्ड में किसी को नसीब हुआ शनि मंगल है? सब ईश्वरीय घटनाएं मेरे साथ घट रही है, सब लाइब्रेरी में पता लगाओ कि किसने क्या किया मेरे साथ किया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये पहले देखा के, किसी ने हमें अपमानित किया है, गाली दिया है, टीका टिप्पणी किया है, उसका नतीजा उसके सामने आया है और जल्दी आता है, कितने कमेंट गलत सुलत लिखने वाले थे कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो जाते हैं सब है? यही मैं बता रहा हूँ कि यही सब चीज, इन चीजों के ऊपर गौर करो। जो एम पांडे जो लिखते हैं ना, ये भी लिखिए, जैसे आपने लिखा बड़ी अच्छी बात कि बीजेपी राज में ही देश ने तरक्की किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों को कुछ श्याम साधु की भी पीड़ा को समझनी चाहिए। श्याम साधु माने कुछ नहीं, और श्याम साधु माने दुनिया को चैलेंज करने वाला एक हिंदू है, बस। अगर करोड़ों हिंदू हैं भारत में, क्या हिंदुओं को गर्व है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर तुम नहीं गर्व करोगे, इसका दूरगामी परिणाम जानते हो क्या होगा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी होगा, वो यही कहेगा अरे कमीनो, जब तुम अपने के नहीं हो तुम दूसरों के क्या होगे। ठीक, ये हमें हिंदुओं के बुजदली के कारण अंग्रेज आए, हिंदुओं के बुजदली के कारण मुगल आए, उनकी गलती नहीं है, मुगलों की कोई गलती नहीं है, अंग्रेजों की कोई गलती नहीं है, गलती वही हुई जो आज हो रहा है। श्याम साधु माने कुछ नहीं, और श्याम साधु माने वर्ल्ड को चैलेंज करने वाला एक हिंदू, एक बाबा है, सब देख रहे हो, सब सुन रहे हो, खामोश बैठे हो, क्यों अंदर से जली थी खाए रही थे, हम ही तुमसे जलेंगे तो हमसे जलोगे, तो बैठे तो हैं तालिबान वाले ताली बजाने के लिए भी, वो ताली बजाते बजाते आ जाएंगे तुम्हारे सर के ऊपर। मोदी योगी जी कब तक बचाएंगे देश को है? और यहाँ कितने बिकाऊ हिंदू बैठे हैं मालूम है आपको, बिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ क्यों बिकाऊ है, उनको गरीब रखा गया,
जो लोग आज कहते हैं कि हमको दोबारा लाओ, हम ये करेंगे, इन हिंदुओं को पूछना चाहिए कि आपके कारण ही 70 साल तक हम लोग भिखारी बने रहे, समझ गए? पूरा बचपन हमारा तरस गया कि एक मोपेट के लिए, पैसा होते हुए नहीं ले, इतना महंगा था ये ससुरा जो ये आपका ये क्या बोलते हैं, अरे ये जो है इंटरनेट है, कितना महंगा था, इस मोदी जी के कारण हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र में देखें, मोदी जी योगी जी तो बहुत कुछ करके दिखा दिया। कल हम भावुक हो गए थे राजनाथ सिंह और मोदी जी को देख करके, क्यों? हम अंतर मन से राष्ट्रवादी विचारधारा के, अंतर मन से है, मतलब से नहीं है। आज भी हमको कोई ख्वाहिश नहीं है, हमको क्या चाहिए, अब कोई क्या हमको दे सकता है और हमको चाहिए क्या? कम से कम यह तो हो कि सरकार में हमारी बात सुनी जाए, सरकार में हमारा नाम पहुंचे, समझ गए? जो पैसा लेते हैं उनको तो आप बहुत कुछ देते हैं, भाई नेता है पैसा देता है, जितने नौकरी चाकरी वाले हैं जो शहीद होते हैं जो भी होता है उनको आप उनको पैसा देते हो, चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो, वो तनख्वाह लेते हैं, सारी सुविधाएं उनको मिलती है, तब उनको आप भी फिर भी देते हो सम्मान। फिर तो सबके लिए दृष्टि रखो ना, आखिर तन्ने जी चैलेंज कर सो रहे हैं और हिंदू का ही नहीं बोल रहा है, चूंकि अंदर से लोगों को तकलीफ हो रही है। अब देखिए यह बंदर भोज के लिए चना भीग रहा है, समझ गया? लोगों से मैंने कहा साहब आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भेजो, ठीक यहाँ आता है खर्चा हो जाए, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इच्छी नहीं। लोगों ने कहा बाबा 20,000 भेज दे, हमने कहा क्यों, अभी सो एक साहब ने कहा 500 रुपया भेज दे, हमने कहा ना आप 100-100 रुपये करके भेजो, आप 50-50 करके भेजो, तब इकट्ठे मत भेजो हमको, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई फालतू है, चलो चलो निकल बाहर चलो। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो है वो आप एक और लोगों कोई 500-1,000 भेजेगा और फ़ोन करेगा क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, वो पैसा मिला आपने किया नहीं, आपने माता जी का नाम नहीं लिया, एक हमारा हेडक बस जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा भेजो, जो आपको 10-5 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया भेजो, और बस जब कोई संकट आवे या कोई दिक्कत आवे या किसी का नाम लेना हो उस वक्त हमको बता दो सुबह के टाइम कि बाबा जी आज इनका नाम से भोज कर दीजिएगा। उस भोज एक ही नाम से थोड़े भोज करते हैं, तमाम लोग हमसे जुड़े हैं, इसीलिए हम लोगों को मना करते हैं। अभी कहाँ से गाजीपुर से कहाँ से शोभा फोन आया, ओ बाबा जी आप बताइए हम पेमेंट भेजना है, हमने कहा काहे लिए, ओ बंदर के लिए, हमने कहा आप लोग नहीं बंदर खिला सकते हैं, आप लोग खिलाइए खुद कर आप लोग करें, तब या हम जिसको बता रहे हैं आप भुवन सिंह हैं उसके नाम पेमेंट भेज दीजिए, वो लड़का काम कर रहा है, सुमन माँ को दिल्ली वाली है उनको आप भेज दीजिए, निशा शर्मा को आप भेज दीजिए पूछ करके, तो जो काम करने वाले हैं उनको आप दीजिए, जो नौटंकी करने वाले हैं उनको मत दीजिए आप, बस हमको भेजना है ठीक है, हम जैसा कहें वैसा करो, उसके पर भी अंधे समाज की आँखें नहीं खोल रही, वही तो है जो ले रहा है वो पूजा जाता है, वो बैंक लिखते हैं उपाध्याय जी ने कि जो आम का पेड़ लगाया नहीं और जो चटनी खा रहा है उसी को ये अंधा समाज सिद्ध बोल रहा है, ये हमारी अर्पूर्णा जी जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। एक कुणाल विजय करके आता है, जैसे आसाराम जी के बारे में लिखा कि तवड़ा उन्होंने गौशाला खोला है, उसकी भी हम तो यही कहते हैं उसकी प्रशंसा की जाए, जो अच्छा किया हो प्रशंसा की जाए, जो गलत किया हो उसको मैं प्रूफ करो और मैं प्रूफ करके लोगों को बताओ, बिना प्रमाण के मत बोलो। इसीलिए मैं हम बचपन से प्रभु की माया, एक मीडिया वाले थे आज वाले ये उन्हीं के देन है, और संदीप पाठक युवा नेता उसने कहा बाबा जी कागज बोलता है, आप काम करो उसको दिखाओ लोगों को बताओ, आपका उद्देश्य लेने का ना हो, लेने का उद्देश्य होगा लोग यही कहेंगे बाबा जी इसीलिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, कितने कुत्तों ने भौंकने वाले ने भूखा भी आज तक, ये सर्दीली बर्फीली हवा चल रही महाराज, कहने को धूप निकला है लेकिन बादल और बर्फीली हवा, ये मुसीबत है इस समय,
ये हमको लगता है वही पहले वाला है, तबीयत के इत्मीनान से आ रहे। ये देखो पैर मिलकर चोट आ गई है। ये देखो, देखा इस वक्त रोटी खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, उसने बच्चों के लिए रोटी है पतली वाली। देखिए पतली रोटी बंदर नहीं खाता है। देखिए आप भाग गए क्या भाई, कहाँ भाग गए? सब कुत्ते को देखते, ये पतली रोटी है, ये सब पेड़ों के ऊपर डाल देते हैं तो वह छोटे छोटे बच्चे इसको मुंह में जाता है। इतना गेहूँ चना ये सब तैयारी है, अब निकलेंगे। अब वहाँ जाओ, वहाँ जज साहब का बंगला है, अब वहाँ बंदर उसी के बंगले के अंदर रहते हैं, अंदर ही हैं और कहीं नहीं है, अगल बगल वहीं हैं, और बस केवल खाना दे दो, मुसीबत है। अरे हमने कहा भाई साहब आपने गेट के सामने मना किया, मैं वहाँ नहीं दे रहा हूँ, अब आप कहें प्राइमरी छोड़ दें, आप वहाँ से हटवा दीजिए। हम आप भाई हम ठीक है वाला हकीम के तुम नौकर हो, तो भैया तुम्हारे हुक्म ना मानने का मतलब कि आला हकीम का हमने हुक्म नहीं माना, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम तुम्हारी भी इज्जत करते हैं, तुम आला हकीम के आदमी हो ठीक, तो हमको बेइज्जत भी कर सकते हो, हम तुम्हारा क्या कर देंगे। लेकिन कुछ इंसाफ की बात सोचो, बंदरों को अंदर तुमने घुसेड़ के रखा है, उसको वहाँ से भगाओ, गोदे दगाओ वहाँ से, उनको भगाओ आवाज़ करके, वो बाहर आ जाए, वहाँ जो क्लब है क्लब वगैरह जहाँ कोई रोक टोक नहीं, हम वहाँ दे देंगे खाना पीना। ये सीनरी आपको अच्छा लग रहा होगा है ना, क्या बढ़िया हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, देख रहे हैं है ना, बढ़िया सीन। ये देखो, देखिए आप फल भी लगा हुआ है और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे अशोक वाटिका में खा रहे हैं। ये देखो इसके पैर थोड़ा सूज गया था, इनके उस सबसे इसको अलग कर दिया है। भैया अलग खाओ यार, अलग खाओ, हटो अलग खाओ, वो बंदर के लिए हटो हटो, लो ये खाओ, ये पकड़ो, चलो आदमी भी यही रख दे, ऊँचे पर रखा करो, खाओ अब ले लो, ले अब ले लो, खा कस के। तो कितना वीडियो बनाओ, दिखाओ, समझाओ, बस मनोरंजन, केवल बाबा के ऊपर हजार बंदर चल जाए, बस इंटरेस्टेड हो, खाली इंटरेस्ट मत लो, देश कहाँ देश में क्या हो रहा है इस पर बोलो, अगर अच्छा हो रहा है, अगर कहीं गलत हो रहा है उस पर भी बोलो, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है इतनी मजबूत सरकार जो है और इसकी छवि निखरे, इसकी छवि हम चाहते हैं निखरे, वो हमें कुछ न दे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी बातों को सुने, हमारे जैसे लोगों को समझे और देश विदेश में फैलाए इस बात को। यहाँ हमारे आज सनातन धर्म का आज भी एक बाबा है जिसने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है, समझ गए, किसी में दम नहीं है, बाबा हो नेता हो जो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दें, असंभव है, नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई 19-20 निकल आवेगा, लेकिन जो हमारी दुर्गति अब हमारे कामों को देखें, ये सब आप देख रहे हैं, सब अकेले दम का है, पता लगा हुआ के, ये तो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, काम तो मैंने बाहर फील्ड में किया है, जाओ पता लगाओ जाके, जमाना बीत गया, कितने पेड़ बड़े बड़े होके सूख गए, भाई फल वाले पेड़ रहे ज़्यादा दिन नहीं चल पाए, नहीं लोगों ने उसकी तवज्जो दिया। ये बढ़िया सीन आपको लग रहा होगा कि हनुमान जी सामने बैठे हैं ना, इसको और थोड़ा छोटा कर दे क्या, अच्छा ये खत्म, इतना छोटा हो गया क्या भाई, ये बड़ा हो गया, देखिए पीठ पर कितना बड़ा घाव के निशान है, इसके भयंकर घाव के निशान है पैर में और पीठ में, ये वही है जो पहले अकेले आया करते थे। कहा है हमको न डरवाओ भाई, हमको न डरू डर को नहीं, बहुत मारेंगे हम, अच्छा हाँ हम बहुत मारेंगे इसे, कैमरा दिखाए हैं ना और डरवा रहे हैं, लेकिन सीनरी बढ़िया लग रही होगी, ये बैठ के बनावे जरा, ये सीनरी देखो है ना, चारों तरफ से फल लगे हुए पेड़ में, हनुमान जी बैठे हुए,
कोई फल नहीं तोड़ के नुकसान कर रहे हैं। यही अंधो देखो, बंदर मेरा बड़ा नुकसान करता है। अच्छा तुमने इनका कितना नुकसान किया अंधो? न सरकार को दिखाई पड़ रहा है, ना बाबा को दिखाई पड़ रहा है, न हनुमान भक्तों को दिखाई पड़ रहा है। इनके लिए कहीं पेड़ पौधा है ही नहीं, पूरी चारों तरफ से सब मकान या मकान, बिल्डिंग बिल्डिंग है, और जितने हरियाली अगल बगल देख रहे हैं सब हमारे लगाए पेड़ हैं। यह सब कुछ करके दिखाया, तो ये सीनरी चूंकि अच्छा लग रहा है ना, बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, करीब जाओ तो हमको डरवाते हैं, हमको डरवाओ मत, मारेंगे हम, मारेंगे तुमको, ए ऐसे मारेंगे, ए इधर देखो ऐसे मारेंगे, ए ऐसे मारेंगे, कोई हमारा पालतू बंदर थोड़े। लोगों के चार कितने बड़े बड़े दांत आगे बने होते, यह देखो बाप रे बाप, एक एक दांत यह बड़ा बड़ा है, कहा है भैया बहुत मारेंगे, डरवाना मत हमको। जने साहब बड़ी बर्फीली हवा चल रही, थोड़ी धूप है, राहत तो है। लेबर से कहे भैया खाना वाना खा लो अपना, वो भयंकर बर्फीली हवा है, चले थोड़ा दवा ववा खा लें चल के। अभी अब तीन चार दिन तक डॉक्टर साहब ने जो दवा दिया है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, अब तारीफ की बात ही, इतनी बढ़िया दवा आज तक अपने ज़िंदगी में मैंने आयुर्वेदिक अस्पताल में बढ़ते नहीं देखी है, जब से योगी राज आया मैंने नहीं देखा। हम उनकी तारीफ करते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ लिस्ट में ऐसे जो सच्चे जो सनातन प्रेमी हैं, एक बाबा हो कि अगर बाबा को नहीं पहचानेंगे महाराज, तो कल को लोग सवाल उठाएंगे। देखो देखो कोई बाहरी गैया आ गई, इसीलिए सब जब आए थे आए थे आए थे, अभी इनको छोड़ा में आए थे आए थे, चलो आए थे आए थे आए थे आए थे, चलो आ आ खाओ आके खाओ, आओ उठा के पटके तुमका ससरे, आओ आ ले ले खाओ, तुम कहाँ बाहर निकल आए, देखो यह कटोरी अंदर रखी गई है, देखा यह हाल है, अच्छी अच्छी कटोरी को बाहर रख दिया जाता है, कहाँ है भैया कहाँ आ रहे हो अंदर, हटो यहाँ कुछ नहीं है, देखो अभी दे रहे हैं, अभी थोड़ा हरा चारा डलवा रहे हैं, अच्छा ये बछवा है घूम रहा है, ये पकड़ के अंदर चला जाएगा, सूख सूख के मर जाएगा, ये जो आज की सब चल रहा है गौशाला पौशाला, दे रहे हैं, रुको आ रहा है अभी डलवाते हैं, अच्छा लो भैया, अब उनको जब तक हम लेबर को बुलाएंगे, लो खाओ अब खाओ सब घास, कना तुमको दे दें है ना, ये कना रखा है मगा के, हमने देखो काम देखो, हमारी इच्छा यही थी कि जमाना हमसे सीखे कुछ करे, और जितने मिले हमको दूर दराज वाले, कोई दिल्ली का है कोई बम्बई का है, यहाँ के लोग मर गए हैं क्या है, उनको नहीं दिखाई पड़ता, नाटक करके दिखा लो, एनजीओ बनाने से नहीं सेवा होती है, एनजीओ न बनाओ और तब सेवा करके दिखाओ, तब वो सेवा हुआ, कैसे निकाले भाई, यहाँ के लोग तो सब अर्तन बर्तन सब हटा देते हैं, यह बड़ी दिक्कत होती है, कई बार कहा यहाँ डिब्बा रख दो, उस दिन खरीद के लाए रहे कना हम, लो खाओ, चलो हटो हट, देखा दे ये खा खाओ हट खाओ, देखो कहीं पानी पी रहे, देख रहे हैं दोनों, सारी व्यवस्था है, न सिर्फ मार न चीज न भगाना, सब यहाँ लैट्रीन करते हैं हमारे दरवाजे, वो हमको झेलना पड़ता, हमारी बेटी जो है 5-7 कुत्तों के रोड टट्टी फेंकती है, वो यही यही मनुष्य होने, इन्हीं लोगों को मंच पर लाओ है, ऐसे लोगों को महात्मा बताओ, लेकिन नहीं स्वामी जी जी
और भगवान बोले अच्छा, भगवान ने नारद जी ने कहा है बस खाली भीड़, नेता जो पहुंचते हैं महात्माओं के लिए क्यों जाते हैं, भीड़ देख के कि हमारा वोट पड़ेगा, उनको वोट से मतलब, उनको मतलब नहीं है कि कौन महात्मा है, कौन असली है, कौन नकली है, कुल मिला के बहु है मतलब अलवा में कलवा राजा, अब जो कर रहे हैं औरों से अच्छे हैं बस हम ये कहेंगे अच्छे, समझ गए, आज हम बहुत अच्छे होते तो हमारी बात तो सुने होते, समझ गए, हमने वर्ड को चैलेंज किया है। और मैंने ये भी कहा कि मुझे फांसी में लटका दिया जाए अगर कोई माइकलाल हमें हरा के दिखा दे। तन्ना जी बेचारे अकेले अकेले तन्नाए हैं, और जितने आते हैं बाबा जयराम जी की, ओ बाबा आप अच्छा कर रहे हैं, अरे यार मैं अच्छा कर रहा हूँ तुम भी तो करो, तुम कुछ ना करो, बोलो तो सही, तुम्हारे मुँह में लकवा मारे हैं, हैं कोई लकवा मारे है तुम्हारे मुँह में, तुम नहीं बोलोगे तालिबान वाला बोलेगा, तुम नहीं ताली बजाओगे हमारे जैसे लोगों के ऊपर, हम हो या कोई हो तो क्या तालिबान वाला ताली बजाएगा, कल हमने कहा कि नहीं कहा तो, और आज पूरा देश कह रहा है, गर्व है पूरे देश को कि ऐतिहासिक क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस कल मनाया गया, पूरे देश को गर्व है इस बात से। लेकिन हर कड़ी हर पहलू को लेकर चला जाए तो ज़्यादा खूबसूरती, अपने राम को क्या चाहिए हुजूर 84 साल की उम्र में, ना हमको पैसा चाहिए, ना कोई गद्दी चाहिए, ना टिकट, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, केवल हमारी बात सुनी जाए, बस हमारी सलाह मानी जाए, और नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में जनता को आप लोग जवाब दीजिएगा, जनता ही सवाल करेगी, और विपक्ष वाले का ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे उनसे कोई पूछ बैठेगा कि बेटा तुम्हारे राज में क्या बाबा के लिए तुमने कौन सी आवाज़ उठाई। लेकिन आज के जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो और भी अच्छाई को दिखाइए ना, जो बुरे थे तो बुरे हैं ही हैं, तभी सोच रहे हैं कि जनता को कैसे फंसाया जाए, तो कह रहे हैं हमसे मकान लिखवा लो, जमीन ले लो। हाँ भैया अभी खाना खाए कि नहीं? हाँ, अब देखिए हजारों हजारों रुपये हमारे लग रहे हैं, ये केवल हम छटाई करवा रहे हैं, ये पूरा ट्रंक का ट्रंक, बक्सा के बक्सा, कागज़ सब एक में दबा, पर एक निकला, फिर बिटिया ने यहाँ कमरे में भेजा, फिर वहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, इसे ये सब जलावन फेंक रहे हो ना, ये सब जलावन अच्छी तरह देख लेना, पूरा एक एक, हाँ हाँ फेंको, सुनो ये अंदर अगर फाइल में है उसको फाइल से बाहर मत करो, हाँ बस बस ओह फाइल में है बस उसमें रखो, अखबार वाले में रख दो बस, ये अखबार पंपलेट एक ही मान के चलो, ये अखबार कटिंग भी है ना इसमें, हाँ 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 तो अखबार कटिंग वाले में डाल दे, हाँ 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 डाल दो, डाल दो और अच्छा, अभी हफ्तों लगेगा महीनों लगेगा, ये देखो ये पर्ची उठाओ, ये भी जब यूट्यूब चले रहा तो लोग देखो सुनो सो ये वाला सफेद दाओ देखिए आप, कहीं आपने मनुष्य देखा है थोड़ा कलेजा काट दिया अपने आप को, भूखे रह रह के पैसा पत्नी से ले ले करके, बहुत तो रोल इसमें रोल हमारी पत्नी का है, हमारी बेटियों का है, ब्यूटी पार्लर से बेटियां पैसा देती थी हमको, एक फूल हमारा वो कौन से जगह गए थे हमारे नाती जी, वो फूल लेके आए थे, अब वो फूल ने अपना काम दिखाया है, ये देख रहे हैं गंगटोक कहाँ है, ये देखिए आप, ये फूल हमारे नाती जी अकलमंदी किया था उसने पेड़ को, और जबकि गर्मी का महीना था, है? कुछ कहे हो कहा, ये देखिए, यदि हाँ कहीं आपने मनुष्य देखा है, यदि हाँ तो उसके लक्षण बताइए, आप लोग चुप क्यों है, बाबा जी जय श्री राम है, जय राम जी की बस, ये तैयार है तुमको गुलामो, बोलना सीख, हर आदमी कुछ विचार व्यक्त करो, कुछ लिखो, देश को पद बोलो, देश आगे हमारा आज जा रहा है, और उनको बढ़ावा दो, उनको राय दो, सुझाव दो, कि जो सचमुच के राज भक्त हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनके लिए भी सरकार के यहाँ कोई पहचान होनी चाहिए, समझिए, उनको इनाम और बख्शीश नहीं चाहिए, आप देंगे तो हम इनकार कर देंगे, लेकिन पहचान होनी चाहिए, राय हमसे दिया जाए, यदि हाँ तो उसके लक्षण बताएं, मनुष्य किसे कहते हैं पहले यह तो जान जाएं,